तो दोस्तों कैसे हो सारे। मैं हूँ आपका दोस्त अनुज और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पोकेमॉन मास्टर में स्वागत है। तो यहीं पर अपने मैंने अगली बारी गेम को सेव करा था यानी कि छोड़ा था और आज हम वापिस आ चुके हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। जो 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 नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को। व्यूज़ आते हैं हमारे वीडियोज़ पर, 37 लाइक्स और 37 व्यूज़ आए हैं, पर दो ही लाइक है सिर्फ, दो ही लाइक। ये तो चलता है दोस्तों, थोड़े लाइक ज़्यादा कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है। और जो जो नए वो सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पूरी पूरी की पूरी कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये पूरी गेम मैं आपके साथ ही खेलने वाला हूँ दोस्तों। तो आ चुका है प्रिंसर, यानी कि हमें फाइट करना है समुराई से और हम फाइट कर रहे हैं समुराई से। और उसने पहले हमने भेजा है प्रिंसर को, खतरनाक प्रिंसर को, और हमने भेजा है हमारे प्यारे मेटापॉट को। या तो मुझे ये यही हमारा आज का टास्क है कि हमें समुराई को हराना है, यानी कि एपिसोड की पूरी कहानी है, टास्क तो नहीं कह सकते, वॉट एवर। तो इसका प्रिंसर बहुत स्ट्रांग है, उसने हमारे मेटापॉट को हरा ही दिया। क्रिटिकल हिट लग चुके हैं, हम हमारे बुलाएंगे प्यारे से पिकाचू को और ख़त्म करेंगे इस पिंचर को। पहले तो मैं पिंचर के ऊपर थंडर वेव यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि वो पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज होने के बाद कोई भी पोकेमॉन ज़्यादातर मूव नहीं कर पाता। तो पिंचर हो चुका है पैरालाइज और हम यूज़ करेंगे थंडर शॉक पिंचर के ऊपर। क्या पिकाचू हरा पाएगा पिंचर को? यह अटैक बहुत इफेक्टिव हो रहा है हमारे पिकाचू पर। जो और एक अटैक लग गया तो समझो पिकाचू फाइट। यू कैन डू इट, यू थंडर शॉक। पिकाचू वैसे ऑलमोस्ट इसको हरा ही चुका है, फोर्स एनर्जी यूज कर रहा है बट फेल्ड हो रहा है क्योंकि पैरालाइज की ओर से। उसने वैसे भी अपने अटैक स्पीड को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा लिया है। और एक बार फोर्स एनर्जी करने की कोशिश और थंडर शॉक से खेल खत्म पिंसर का। और इसका भी एक पोकेमॉन हार चुका है समुराई का और हमारा मेटापॉट हार चुका है। 11 लेवल में ग्रो हो चुका है हमारा पिकाचू और अब क्विक अटैक सीख रहा है। हाँ ऑफकोर्स मैं सिखाना चाहूँगा क्विक अटैक को अपने पिकाचू को। टेल वाइप हटा देते, वैसे मुझे ग्रॉल पसंद है क्योंकि वाइल्ड पोकेमॉन को भी जाते नहीं है तो ग्रॉल करके भगा सकते हैं। और पोकेमॉन स्विच भी कर सकते हैं कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ गया हो तो। वैसे मेटापॉट आ रहा है तो मैं तो बदलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे अटैक सुपर इफेक्टिव ही होने वाला है मेटापॉट के ऊपर। एक या दो थंडर शॉक में काम तमाम मेटापॉट का, दो थंडर शॉक में ख़त्म मेटापॉट। और ये हो चुका है ख़त्म, मेटापॉट को हमने हरा दिया है, यानी हमारे पिकाचू है और मैंने हरा दिया है समुराई को। चलते एक फायदा हुआ के लेवल 11 का, आगे बढ़ते हैं। तुम ओ बीट्रल्स अटैक कर रही है हमारे ऊपर, जाओ मेटापॉट हार्डन यूज करो। मेटापॉट बीट्रल आ गई है। अब ये बीट्रल एनिमी की जैसे ही उड़ा कर ले जाएगी हमारे मेटापॉट को। बहुत दूर गई है शायद वरिडियन फॉरेस्ट के बाहर चली गई है वो, यानी कि हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। तब तक तो मैं दो पोकेमॉन से शायद संभाल ही लूँगा क्योंकि मेरे पास है हमारे प्यारे दो पोकेमॉन पावरफुल, हमारा पिकाचू और हमारा पिजियॉट। वैसे हमें मेटापॉट को बचाना है, ये बात कर रहा है वहीं की भाई। तो मैंने उन लोगों से मैं हार गया, तुम्हारे से भी हार गया, थोड़ा हो रहा है बोलने में, नर्वस फीलिंग कर रहा हूँ। और चलते हैं। ओ मेटापॉट तो यही रहा हमारा है या किसका है? वो हमारा ही है मेटापॉट। सो कम टू रिटर्न टू द पोकेबॉल, बीटरल आ चुकी है, अब इसे भी हराना पड़ेगा। पिजियॉट, चलो पिजियॉट यूज करो गस, ये सुपर इफेक्टिव ही होने वाला है विंटर के ऊपर। ओ सुपर इफेक्टिव, क्रिटिकल हिट लग जाती
ये तो खत्म हो जाता अभी खेल। ओ शिट, खत्म, बीटल का गेम ओवर। ओ वो एक्सपीरियंस कितना मिलता है देखते हैं। वो 181 11 लेवल का हो चुका है हमारा पीजीओट। वो तो चलते हैं आगे और एक ट्रेनर, चलो इसे भी हराते हैं। वैसे आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि मैं पोकेमोन लास्ट फायर लास्ट फायर रेड खेलूं या ना खेलूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और भी ऐसे वीडियो आएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलते हैं अभी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। चलो मेटापॉड को हमने गस से हरा दिया हमारे बॉट ने, मेटापैट गेम ओवर। देखते हैं उसका कौन सा पोकेमोन आता है अभी, केटपी। ओके तो मैं चेंज नहीं करना चाहूँगा, केटपी तो गई और केटपी का काम तमाम। गेम ओवर। वैसे हमारा पीजीओट सबको संभाल लेगा और एक मेटापॉड। ओके इसे हराने के बाद हमारा पीजीओट हो जाएगा टोटल 12 लेवल का, और मैं अगले वीडियो तक शायद सबको यानी मेरे मेटापॉड को भी और पीजीओट, मेटापॉड को मैं 10 लेवल तक कर दूंगा और पीजीओट को और हमारे पिकाचू को 14 लेवल तक का कर दूंगा, क्योंकि हमें ब्लॉक से भी लड़ना है, उसके लिए मुझे प्रिपरेशन चाहिए। तो बात में मैं ट्रेनिंग कर लूँगा ऑफलाइन जाकर। अभी तो हमने इसे हरा दिया है, पता नहीं वरिडियन फॉरेस्ट कितना बड़ा है इस गेम के अंदर। चलो हमने हरा दिया इसे। ओ वो तो चलते हैं आगे की ओर। पोकेमोन 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 हेडपी नहीं, हमें नहीं चाहिए। वैसे यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी हो सकती है, मैं अपने पीजीओट को और पिकाचू को लेके यहाँ पे ही आऊँगा। चलते आगे की ओर और शायद ख़त्म रूट टू, यानी कि आगे ही होगी वरेडियन सिटी। और यह है फ्लिंट, यानी कि आप लोगों को पता ही होगा जिन जिन लोगों ने एनीमे देखते हैं पोकेमोन के, तो यह है हमारे ब्रॉक के फादर, ब्रॉक के पापा। तो हार्ट स्टोन हम इससे लेंगे। ओके एक ही चाहिए, वैसे ये हमारे रॉक टाइप अटैक्स को इंक्रीज करता है। ब्रॉक है, हाँ हमें पता है कि ब्रॉक है जिम लीडर यहाँ का। तो आगे की ओर चलते हैं और आ चुकी है हमारी प्यूटर सिटी। पहले हम जाएंगे नर्स जॉय के पास। हेलो नर्स जॉय, कैसे हो आप? वाओ हील हो रहे हैं हमारे पोकेमोन, थैंक यू नर्स जॉय टू हील अवर पोकेमोन्स, थैंक यू। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड करना चाहता हूँ, और अगले वीडियो में हम जाएंगे जिम में। वैसे तो कोई दिख नहीं रहा जिम में, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अपने गेम को सेव। तो दोस्तों जो जो नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, मैंने पूरे वीडियो में ये बात टोटल 3 बार कही, तो कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और आप सभी को मेरी और पोकेमोन मास्टर की ओर से हैप्पी न्यू ईयर।